हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं राम सेतु पे। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और आज धूप है, भीड़ भाड़ नहीं है इतना। तो देखते हैं आगे का नज़ारा कैसे होगा, और आज मैं आपको आरती भी दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स। चलते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं क्या होता है उधर का नज़ारा। अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए गंगा में, उसके बाद देखेंगे कि हम जाएंगे राम झूला, उसको मैं भाई दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सेतु से नीचे उतर चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं स्नान करने, गंगा स्नान करने। फिर गंगा स्नान करके हम जाएंगे परमार्थ में। तो देखते हैं दोस्त, इधर का नज़ारा काफ़ी आलीशान है। तो चलते हैं, अभी हम नहा लेते हैं गंगे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये भी एक घाट ही है, इसमें भी गंगा स्नान किया जाता है, लेकिन हम चलेंगे उधर उधर आगे की ओर चलेंगे, जिसमें गंगा स्नान करेंगे। यह है दोस्तों इधर का मार्केट, देखो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और इधर से ही परमार्थ में जाया जाता है, और अदर अदर घाट में, मतलब जो श्रद्धालु होता है वो अलग अलग घाट में जाकर स्नान करता है। ये काफ़ी सारे आश्रम भी है, ये देख सकते हो। और इधर सब्जी का भी होता है, ये भी एक घाट ही है जिसमें नहा रहे हैं, देख सकते हो आप, गंगा स्नान कर रहे हैं। और गंगा जल देखो, ये सब चीज़ इधर अवेलेबल है बिकने के लिए। ये काफ़ी अच्छा पानी पीने का भी व्यवस्था किया गया है। और इधर चलते हैं, ये इधर के पहुंच गए हैं दोस्तों हम परमार्थ के पास। अब देखते हैं कि इधर का नज़ारा क्या है, कैसे है। वैसे काफ़ी सारा मार्केट तो लगा हुआ है, आप देख सकते हो, देखो। और हम ऐसा करके गंगा नहा के ही यहाँ का दर्शन करने आएंगे, फिर मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा, बिकॉज अभी मैं नहाया नहीं हूँ। देख सकते हो यहाँ पास काफ़ी भीड़ है, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने के लिए, तो ठीक है, मैं नहा के यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। देख सकते हो यहाँ का मार्केट है, काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब सजने संवरने का बोलते हैं ना, अपन हैं श्रद्धालुओं के एरिया में, मतलब हो सकता है कि यहाँ एक से एक चीज़ मिलता है। ये है यहाँ का मार्केट। काफ़ी अच्छे अच्छे होटल है, मात्र 150 में। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं घाट में, अब हमारे नहाने की व्यवस्था देखते हैं कि हम कहां से शुद्ध हो जाएं। बोलते हैं कि गंगे में नहाने से शुद्धिकरण हो जाती है, तो चलते हैं, देखते हैं कि नहाते हैं यहाँ। फिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ परमार्थ, मतलब बहुत ही अच्छा एक आश्रम है बोलते हैं, वहाँ दिखाने वाला हूँ। तो है दोस्तों घाट, यहीं ही हम नहाने वाले हैं, अपना सामान रख देते हैं, नहा के फिर हम आपको उधर का दिखाएंगे।
हम कर लिए हैं गंगा स्नान और अब हम थोड़ा भगवान का पूजा करने वाले हैं, गंगा जो ये चढ़ाने वाले हैं शिव भोलेनाथ ऊपर। तो चलते हैं, पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम नहा लिए गंगा और अब हम जा रहे हैं परमार्थ की ओर। मैं उधर आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या है, कैसे है, बहुत ही अच्छा माहौल होगा उधर का। चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन और चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है। लग रहा है काफ़ी अच्छा भीड़ है, देखते हैं दोस्त। यहाँ का अंदर है बहुत ही अच्छा, मतलब काफ़ी औसम लुक है। मतलब यहाँ से विदेशी लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ रुकते हैं। देखते हैं नीचे गंगा का, हम जाने वाले हैं इस तरफ। चलते हैं फ्रेंड्स। इधर सामने भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो यहाँ भी चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। और ये देख सकते हैं यहाँ फ्री में वाटर सर्विस भी है। चलते हैं आगे मंदिर की ओर, देखते हैं क्या है। गंगा में ठंडा करने के लिए कुछ कर रहे हैं लोग, शायद तक क्या है। कुछ कर रहे हैं, शायद हो सकता है धार्मिक से ही रिलेटेड हो। लेकिन इधर से भी काफ़ी अच्छा औसम और काफ़ी लोग यहाँ गंगा स्नान करते हैं। फ्रेंड्स, परमार्थ निकेतन की ओर घुसते हैं, वहाँ का माहौल देखते हैं और नज़ारा भी देखते हैं। यही है फ्रेंड्स परमार्थ निकेतन और यहाँ एंटर करते हैं। चलो काफ़ी अच्छा औसम मंदिर है। वही नदी ने खड़े खड़े हाथ से जल दिया और अभी हम हैं दोस्तों परमार्थ निकेतन में। देखे काफ़ी अच्छा माहौल है इधर का और बोलते हैं कि यहाँ लाइव भागवत भी चलता है। तो चलते हैं उधर ही, देखते हैं कि लाइव भागवत का माहौल क्या है। और जैसे ही क्या हुआ, आपने आज अलग कर डाला है। एक भजनानंदी जो जाप में मग्न थे, ऐसे महात्मा के गले और प्रणाम करके महात्मा के गले
ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ परमार्थ निकेतन हम घूम लिए, अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, बिकॉज भूख भी लग रहा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब हम कुछ खा लेते हैं, फिर अपन जाएंगे राम झूला, ठीक है? जिस राम झूला उधर ही है, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं रेस्टोरेंट में, इसके बाद हम जाएंगे राम झूले, तो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद जाएंगे, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है इधर का भी, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आ गया हमारा खाना, ये देखो, देखते हैं, काफ़ी ऑसम तो लग रहा है, अब इसका टेस्ट खाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो खाना स्टार्ट करते हैं, फिर वीडियो आगे बढ़ा देंगे। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अभी राम झूले की तरफ, आगे ही है, तो मार्केट देखते देखते चलते हैं फ्रेंड्स, कैसा है माहौल। मन मस्त मगन बस तेरा नाम क्या, तो फ्रेंड्स, हम पहुंचने ही वाले हैं झूले के पास, तो देखो लिखा है कि राम झूला 50 मीटर ऐसा करके। चलते हैं फ्रेंड्स राम झूले की तरफ, और ये यहाँ का मार्केट है, काफ़ी खूबसूरत। यही मार्ग राम झूला जाने का। पीछे झूला दिख रहा है दोस्तों, इसी को राम झूला बोला जाता है। काफ़ी ऑसम लुक है इधर का नज़ारा, और हम इसी में चढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, चढ़ते हैं, देखते हैं उधर का माहौल कैसा है, और मज़ा आने वाला है बहुत ही। वीडियो पे बने रहिए आप सभी, और हम उसमें चढ़ के आपको नज़ारा दिखाएंगे। आने वाले फ्रेंड्स हम झूले के पास, और देखो इधर से ही झूला है। तो चलते हैं आगे का माहौल देखते हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पास, देख सकते हो, और झूला काफ़ी हिल रहा है, डर भी लग रहा है,
क्या होगा, माहौल कैसे है, चलते हैं हम सभी। काफ़ी अच्छा माहौल है, देख सकते हो मैं झूला के काफ़ी बीच में हूँ और बहुत ही मस्त हवा, हवा का आनंद भी लेने में मज़ा आ रहा है। उतरने का प्लान है।